जिलाध्यक्ष का सम्मान हम कांग्रेस जनों को ये शोभा देता है, जो नवनियुक्त हुए हैं जिलाध्यक्ष उनके सम्मान में तमाम कांग्रेसी को हम सबों ने न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, और सभी हमारे वरीय कांग्रेसी जो गांवों में रहते हैं वो सभा स्थल तक आने का काम उन्होंने किया है। उनका पटना में भी शक्ति प्रदर्शन से पहले जिला में शक्ति प्रदर्शन वहाँ नहीं है और जिला में शक्ति प्रदर्शन है। जब यहाँ दो दो विधायक हैं इस जिला में, वो शक्ति प्रदर्शन कैसा है? हम सबों को शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती है, काम में विश्वास करती है। और वही पहल 23 जून को एक महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे परम आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अध्यक्ष हैं वो शिरकत करेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के इस महागठबंधन के जुटान के लिए पूरे देश में आह्वान करने का काम ये हमारे सभी नेतागण करेंगे। और बिहार में हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और लगभग 40 में 40 सीटें हम जीतने का दावा करते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से घोषणा हो रही थी मन से कि अब कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, क्या लगता है? देखिए, गुटबाजी तो लगभग हर एक दल में है कबो बेश, और उसको हम लोग लगभग 24-25 के चुनाव के मद्देनज़र देख रहे हैं कि अगर सत्ता पे गुटबाजी नहीं रहेगी, हम सभी कांग्रेस जन एक होकर चुनाव मैदान में 24 और 25 का लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम फतह करने का काम करेंगे। सर, कितना ये बुरा है या दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पूर्व जिलाध्यक्ष का कहीं अता पता नहीं? नहीं, हम सबों ने उनको निमंत्रण दिया है और हमारे पूर्व जिला कमेटी के, कांग्रेस कमेटी के सम्मानित लोग भी यहाँ बैठे हैं, आए हैं हमारे मंच पे, और उन सबों का स्वागत है और उनको ही बुलाया गया है। और असल में वो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कहीं बच गए होंगे अपने काम में, इसलिए नहीं आ सके, लेकिन हमारे पुराने जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अगली फिल्म चालू होने वाली है 24 में, ये कहीं नहीं रहेंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं? तैयारियाँ यहाँ लोकसभा पार्टी लड़ेगी, पार्टी लड़ाएगी और हम यहाँ जीतेंगे। बक्से से पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ जीतेंगे? ना, हम ही नहीं, पार्टी किसी को भी जवाब बना सकती है, हम ही कैसे हैं? यहाँ अनिल त्रिवेदी जी वरीय हैं और बहुत सारे हमारे वरीय साथी हैं, जिनको पार्टी विश्वास करेगी उनको लड़ाने का काम करेगी, लेकिन कोई लड़ेगा, हम जीतेंगे यहाँ 24 में। लेकिन बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो तो ईवीएम का खेल था। ईवीएम में खेल था जो कर्नाटक वाला, वो लोग ईवीएम में खेल करने वाले वो लोग हैं। कांग्रेस पार्टी कभी ईवीएम का नहीं खेल करती है, वो देखने को आपको मिला होगा, वहाँ उनकी सरकार थी, वो सत्ता में थे, ईवीएम के काम दुरुपयोग कैसे कर सकती है कांग्रेस पार्टी जी? ये तो उनका ठिकरा वो अपने सर पे अपने फोड़ रहे हैं। मेरी हमारे ठिकरा सर वो नहीं आ रहा है, उनका ठिकरा उनके सर जा रहा है, इसलिए वो फोड़ने का काम कर रहे हैं और अपना भेद वो बता रहे हैं जनता कि हमने क्या क्या गलतियां की है जनता के समक्ष और क्या क्या हम गलती करने वाले हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। तो बिहार में 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या गठबंधन के साथ रहेगी? महागठबंधन के साथ रहेगी, 23 जून को बैठक है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, सारे लोग उपस्थित रहेंगे और महागठबंधन का एक स्वरूप छल के सामने। बीजेपी अध्यक्ष राहुल गांधी को लादेन की तुलना दे रहे हैं? तो कौन लादेन है? तड़ी पार नेता अमित शाह बैठा हुआ है गृह मंत्री बन के, वैसे व्यक्ति जो तड़ी पार हो, पूरे देश की जनता जानती हो, ये दो गुजराती ठग पूरे देश को ठगने का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर वो बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम किया, नोटबंदी करके उन महिलाओं के पैसे को जो अपने चेक में बांधा करती थी उनको निकलवाने का काम किया, तो ये दोनों ठग हैं।
ये दोनों ठग हैं और ये देश को ठगने का काम कर रहे हैं। अब कभी भी इनकी पुनर्वापसी देश में नहीं होने जा रही। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट 2024 के चुनाव को लेकर के है, उसे उसको पार्टी के लेकर के बौखलाहट नहीं है। जो पार्टी के ऊपर बयान दिया है, हमारे नेता के ऊपर जो बयान दिया है, यहाँ तक हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी जो बक्सर के सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, इनका भी बेतुका बयान हमने सुना है, देखा है मीडिया वालों का, आप लोग आप सबके ही माध्यम से मैंने देखा है। कौन बोले हैं कि वो ननिहाल की चिंता करते हैं, ऐसा कौन पर आरोप लगाया है? जो स्वयं कहा गया है कि जिसकी चिंता घर का, जिस जो घर का होता है, ये जो चौबे जी हमेशा भागलपुर की चिंता करते हैं, जो भी नई कुछ योजना लाना होता है देश के लिए तो पहला उनका भागलपुर निशाने पर होता है, बक्सर में तो अभी तक कुछ दिया नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं जो बक्सर को कुछ अभी तक दिया नहीं, 9 साल बक्सर को रहते हुए सांसद रहते हुए हो गया, लेकिन बक्सर को अभी तक कुछ नहीं दिया। दो पुलिया अधर पे लटके हैं, जबकि एक ही पुल को दो दो बार, तीन चार चार बार उद्घाटन से लेना सही बार हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने देने का काम नहीं किया। अमित शाह मोदी जी ने जो बयान दिया है, इस पर हमारे देश के नेता लोग भी बोले हैं। आप जानते हैं कि उनके नाम पर कोई विकास मुद्दा नहीं है, उनको केवल मुद्दा है जात धर्म और धर्म के नाम पर वोट लेना, और धर्म के नाम पर हम सभी देशवासियों को आपस में बांटने का काम करते हैं, करती है भारतीय जनता पार्टी, न कि अपने 9 साल विकास के एवज पर कभी इसके नाम पर जनता के सामने फेथ नहीं होती, जनता के सामने अपना आईना सामने नहीं रखती कि हमने 9 साल विकास किया, इस पर हमको वोट दीजिए। ये कहने के भारतीय जनता पार्टी में कुबत नहीं है, कुबत है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार यही बोलते हैं कि राहुल गांधी तो किसी पद पे नहीं है, वो सांसद भी थे तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें घर बैठा दिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के नाम पर बेचैनी आपकी है। तो राहुल गांधी ने आपकी औकात कर्नाटक में दिखा दिया कि आप कितने पानी में हो, और कर्नाटक की जनता ने भी राहुल गांधी पर विश्वास करके ये भी औकात नरेंद्र मोदी अमित शाह को दिखा दिया कि आप कितने पानी में हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, 2024 में कोई रोक नहीं पाएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार समेत सभी राज्यों के नेताओं की जो दिल्ली में पटना में बैठक हो रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का आगमन होने जा रहा है, वैसे हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोग नेता राहुल गांधी जी का बिहार की धरती पर आगमन हो रहा है। और खुशी के साथ भी हम लोग कहेंगे कि जब उन्होंने जिस तरह कर्नाटक को जीता है, जैसे जिस तरह चलेंगे उस तरह की हवा बहेगी और बिहार को भी जीतने का काम, 40 में 40 सीट जीतने का काम हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार कांग्रेस के पीए बन गए, अब सुशील मोदी के तो घर से बेघर कर दिया लोग, उनको न केंद्र में रखा न लोग बक्सर बिहार में रखा लोग, तो ये तो बौखलाए हुए नेता हैं। वो मीडिया में छपास की रोग लगी है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ही नेता हैं जिसको छपास का रोग लगा हो, आपके पर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनको छपास का रोग लगा है, मीडिया के सामने अनूल फजूल बातें करते हैं, और सुशील मोदी जी तो पहले ही आप लोगों ने, हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि इनको छपास का रोग लगा है और ये हमेशा फजूल बातें करते हैं। जनता को हमने स्पष्ट तौर पर आपसे कहा कि 9 साल बीतने को है, 9 साल क्यों ये नहीं कहती भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों ये नहीं कहते कि हमने 9 साल देश का विकास किया है, इसके नाम पर हम वोट मांगते हैं। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत चौबे जी का जहां भी उन्हीं के कार्यकर्ता, 9 साल बेमिसाल, किस तरह का बेमिसाल? भुखमरी को भुखमरी में ढकेल देना, गरीबों को भुखमरी में ढकेल देना, गैस मुफ्त बांट के उसको महंगाई के ताक पे झोंक देना, क्या आज आटा पे जीएसटी टैक्स देना, गेहूं पे जीएसटी टैक्स देना, गरीबों को महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के आग में झोंक देना, यही है विकास? 9 साल बेमिसाल यही है, और 9 साल बेमिसाल चौबे जी यदि घूम के बता दें, चौबे जी को मैं चैलेंज देता हूँ कि चौबे जी किसी एक गाँव का नक्शा खींच कर उस गांव के नक्शे पर पहुंच जाए तो मैं उनकी गुलामी करूंगा। विपक्षी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इशारों पे ही हमारा पुतला दहन और हमारा विरोध किया। नहीं समझा आपकी बात, दोबारा कहें।
कांग्रेस का पार्टियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अश्विनी कुमार चौबे का जो पुतला दहन और जो भी उनका विरोध हो रहा है कांग्रेस के इशारों पर। हम लोग अश्विनी कुमार चौबे का विरोध तो चुनाव में करेंगे, अभी तो जनता विरोध, उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उनके घर में आग लगी है। उनके घर में आग लगी हो तो बुझाने वाला कौन होगा? बुझाने वाले हम कांग्रेसी बुझाने वाले नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अश्विनी कुमार चौबे जी के घर में आग लग गई हो, जिसके घर में आग लग गई हो बाहर कौन बुझाएगा आपको समय बताएगा। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से आप लोग के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर के बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, सरकार में 9 साल से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, हम तो सत्ता से दूर हैं और राहुल गांधी जी हमारे कोई बड़े पद पर नहीं हैं, न गृह के देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जो उनका निशाना बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल जी को निशाना बनाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो किसी पद पर नहीं, किसी दायित्व पर नहीं, फिर भी निशाना बनाते हैं। तो इसका मतलब साफ झलकता है कर्नाटक की जिस तरह जो दशा हुई है भारतीय जनता पार्टी वालों को, आने वाले समय में 2024 में मुंह की खाने पड़ेगी, ये मेरा चैलेंज है।